देसी सिंह करवाइए, ये अपने भतीजे से देसी सिंह करवाइए। इस तो सरासर घस मेरा नाम घसीटा गया है ताकि मेरी छवि धूमिल हो, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में आज सुबह से ही राजनीति अपने चरम पर है। हत्याकांड के बाद से ही जहां पूर्व पार्षद के परिजन हत्या के कारणों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं, वहीं मामला तब सुर्खियों में आया जब मृतक रिंटू सिंह की पत्नी ने अपने पति के हत्या के पीछे साजिशकर्ता के रूप में बिहार में जदयू सरकार की मंत्री लेसी सिंह का नाम लिया। मंत्री का नाम सामने आते ही मानो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और देखते ही देखते पटना में बैठे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड पर सीधे नीतीश सरकार को घेरा, साथ ही बिहार पुलिस के एक तरफा रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए और मंत्री लेसी सिंह को इस्तीफे की नसीहत भी दे डाली। मंत्री के नाम सामने आने से यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया। तभी बिना समय गमाए जाप प्रमुख पप्पू यादव भी मृतक के परिजनों को ढाढ़स बढ़ाने उनके घर सरसी पहुँचे और उन्होंने भी जांच की मांग कर जमकर नीतीश सरकार को कोसा। वहीं मामले को बढ़ता देख आनन फानन में पूर्णिया पुलिस अधीक्षक ने सरसी थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया। एफआईआर तो करवाए हैं लेकिन हमको जो विश्वास नहीं है प्रशासन पे, हमको विश्वास नहीं है। सबसे फर्स्ट मांग मेरी है कि हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए, हम मेरे पूरे परिवार को, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनके लिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद ये जो कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन पे हमको विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच करवाइए और शुरू से, ये नहीं कि अब हुआ है तो अभी से स्टार्ट करेंगे। भूटन सिंह जहां से भी है वहीं से स्टार्ट हो, मेरे हस्बैंड का 87 का जन्म था, वहीं से स्टार्ट करें। आखिर हम भी जानना चाहेंगे ना, आखिर क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे मुद्दा खड़ा हो रहा है ना कि यहाँ पे जो है कोई भी किसी पे आरोप लगा दे, सत्ता की बात यहाँ नहीं है। मंत्री जो वो बनी तो यही सब करवाने के लिए बनी है ना। हम भी बोल रहे हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, हम जान रहे हैं तब ना बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं हम आना चाहते थे मीडिया वालों के सामने, हमको लाचारी हमको आना पड़ा। हमने लेसी सिंह का भतीजा जो है हम उन पे एफआईआर करवाए हैं और मरवाने वाली जो है वो लेसी सिंह ही है, हम दावे के साथ कह सकते हैं वही मरवाई है। हम जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो मरवाई है। उनको इस्तीफा देना, देखिए ये पहले जिला परिषद 5 साल पहले रह चुके हैं, ठीक ना, वो जो है 3.5 साल से कांग्रेस ज्वाइन किए थे क्योंकि उनको विधायक से खड़े होना था, वो भी लेसी सिंह जहाँ से खड़ी हुई है धमधा से, वहीं से उसी समय से कुछ थोड़ा बहुत चल रहा था, ठीक ना। उसके बाद फिर से उनको टिकट नहीं मिला अगला साल, तो अब की साल वो प्रयास करते, अब की बार उनको सपोर्ट सब कोई कर रहा था, पूरा मेरा जनता उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वो खड़े हो, हम उनको जिताएंगे, नहीं अगर टिकट मिल रहा है तो आप निर्दलीय खड़े हो जाइए, लेकिन फिर भी हम टिकट लेके ही लड़ने वाले थे, ठीक ना। हमको मिला है ऐसा आश्वासन कि हमको टिकट मिलेगा, वही कारण था कि हम जो अब की बार जीते हैं जिला परिषद में, मेरा 7163 वोट आया था, उनसे वो डर गई पूरा जो है ना, मतलब कि जितना भी पंचायत में जितना भी लेडीज था जितना भी जेंट्स हम घूम के आए, सब कोई बोल रही है अब की बार वो ऊपर नहीं जाएगी, वो बहुत गलत कर रही है। अरे यहाँ पे काफी दिनों से गैंग वार होता आ रहा है। हाँ अगले साल भी यही हुआ था, एफआईआर तो करवाए हैं लेकिन हमको जो विश्वास नहीं है प्रशासन पे, हमको विश्वास नहीं है। सबसे फर्स्ट मांग मेरी है कि हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए, हम मेरे पूरे परिवार को, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनके लिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद ये जो कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन पे हमको विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच करवाइए और शुरू से, ये नहीं कि अब हुआ है तो अभी से स्टार्ट करेंगे। भूटन सिंह जहां से भी है वहीं से स्टार्ट हो, मेरे हस्बैंड का 87 का जन्म था,
वहीं से स्टार्ट करें। आखिर हम भी जानना चाहेंगे ना, आखिर क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे मुद्दा खड़ा हो रहा है ना कि यहाँ पे जो है कोई भी किसी पे आरोप लगा दे, सत्ता की बात यहाँ नहीं है। मंत्री जो वो बनी तो यही सब करवाने के लिए बनी है ना। हम भी बोल रहे हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, हम जान रहे हैं तब ना बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं हम आना चाहते थे मीडिया वालों के सामने, हमको लाचारी हमको आना पड़ा। हमने लेसी सिंह का भतीजा जो है, हम उन पे FIR करवाए हैं, और मरवाने वाली जो है वो लेसी सिंह ही है। हम दावे के साथ कह सकते हैं वही मरवाई है। हम जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो मरवाई है। उनको इस्तीफा देना, देखिए ये पहले जिला परिषद 5 साल पहले रह चुके हैं, ठीक ना। वो जो है 3.5 साल से कांग्रेस ज्वाइन किए थे, क्योंकि उनको विधायक से खड़े होना था, वो भी लेसी सिंह जहाँ से खड़ी हुई है धमधा से, वहीं से उसी समय से कुछ थोड़ा बहुत चल रहा था, ठीक ना। उसके बाद फिर से उनको टिकट नहीं मिला अगला साल, तो अब की साल वो प्रयास करते। अब की बार उनको सपोर्ट सब कोई कर रहा था, पूरा मेरा जनता उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वो खड़े हो, हम उनको जिताएंगे। नहीं अगर टिकट मिल रहा है तो आप निर्दलीय खड़े हो जाइए, लेकिन फिर भी हम टिकट लेके ही लड़ने वाले थे, ठीक ना। हमको मिला है ऐसा आश्वासन कि हमको टिकट मिलेगा, वही कारण था कि हम जो अब की बार जीते हैं जिला परिषद में। मेरा 7163 वोट आया था, उनसे वो डर गई पूरा जो है ना, मतलब कि जितना भी पंचायत में जितना भी लेडीज था, जितना भी जेंट्स, हम घूम के आए, सब कोई बोल रहे अब की बार वो ऊपर नहीं जाएगी, वो बहुत गलत कर रही है। बहरहाल पूर्णिया का सरसी का इतिहास शुरू से ही राजनीतिक मामलों में रक्त रंजित रहा है, मगर रिंटू सिंह हत्या मामले में परिवार जनों की तरफ से हत्या के साजिशकर्ता के रूप में सीधे तौर पर मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगाना सचमुच में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखना यह होगा कि रिंटू सिंह की हत्या की गुत्थी और इसका सच क्या बिहार पुलिस सामने ला पाएगी, या राजनीति और सत्ता के दबाव में पूर्व जिला पार्षद सदस्य की हत्या क्या मात्र एक आरोप प्रत्यारोप की कहानी बन थाने के फाइलों में कहीं दफन हो जाएगी, जैसा कि आज तक इसी सरसी में पूर्व की हुई कई राजनीतिक हत्याओं का हर्ष हुआ है, जो कई कहानियों में बटकर बस एक फसाना बनकर रह गया है। आवाज 24 न्यूज ब्यूरो पूर्णिया।